खरगोन जिले के बड़वा में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ सुरंगा नगर कॉलोनी में एक घर में पति पत्नी का शव मिला है, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस को अंदेशा है कि पति ने ही अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और देखा तो देवी सिंह फंदे पर लटका था, जबकि मंजू खटिया पर मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके गले में मंगलसूत्र की रगड़ के निशान भी मिले हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुरूप पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। परिजनों की माने तो देवी सिंह मूलतः धार जिले के खरवत का रहने वाला था। उसने मंजू बाई से लव मैरिज की थी। देवी सिंह काफी दिनों से मंजू को अपने गृह ग्राम खरवत ले जाना चाहता था, लेकिन मंजू उसके लिए तैयार नहीं थी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कस्बा बड़वा में, जो कि थाना बड़वा के अंतर्गत आता है, वहां पर कल सुबह सूचना मिली कि दो व्यक्ति पति पत्नी जो है मृत पाए गए हैं, जिस पर से स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एफएसएल अधिकारी को भी मुख्यालय से भिजवाया गया और इसके अलावा वहां स्थानीय जो एसडीओपी साहब है वो भी मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा गया कि जो पत्नी है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है और इसके अलावा पति जो है वो हैंगिंग अवस्था में पंखे से लटका हुआ पाया गया। जब इसमें एफएसएल अधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा इंक्वायरी की गई मर्ग जांच पर से, तो ये पाया गया कि पत्नी की मौत जो है गला दबाने से होना प्रथम दृष्टया पाया जाए, और इसके अलावा जो पति है पति के द्वारा जो है आत्महत्या किया जाना पाया गया। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि कमरा अंदर से बंद था और ऐसी स्थिति में पति द्वारा उसकी पत्नी को जो है पहले गला दबा के मार दिया गया और तदुपरांत उसके द्वारा स्वयं रस्सी पर लटक के आत्महत्या की। घर में कोई नहीं था? इसके घर में छोटा बेटा था विजय, जो नीचे रहता था। सुबह जल्दी उठने के बाद माता पिता जब नीचे नहीं आए तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे, देखने गया तो अंदर से बंद था, फिर ये किसी तरह से छत पे पहुंचा, छत पे से अंदर प्रवेश करा, तब उसने घटना का दृश्य देखा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।